नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, NNTV नागपुर न्यूज टीवी पर मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है संडे और लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है लोगों के लिए हर वो दिन जो छुट्टी का है वो संडे कहलाता है और कोरोना वायरस से 3 महीने से लोग संडे मना रहे हैं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और कोरोना के जो मरीज है उनकी तादाद नागपुर में कम होती जा दिख रही है। दोस्तों, नागपुर महानगर पालिका से एक खबर निकल कर ये आ रही है कि कल भट्ट सभागृह में नागपुर महानगर पालिका की एक मीटिंग थी, जिसमें तुकराम मुंडे जो नागपुर के कमिश्नर है उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार करते हुए वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, सुनने में खबर यह आ रही है कि तुकराम मुंडे जी और संदीप जोशी जी के बीच में कुछ अनबन हो चुकी है। आगे की न्यूज हम आपको बताते रहेंगे। अगली खबर यह आ रही है दोस्तों कि जाफरनगर में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए किया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद नागपुर न्यूज टीवी में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। अभी हम जाफरनगर आए हैं। दोस्तों, हमारे साथ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष माननीय अनिल अहिरकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका नागपुर न्यूज टीवी पे। सर, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आज की मीटिंग के बारे में और जो नागपुर में जो कोरोना को लेकर जो हालत है और आपकी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दी। देखो, COVID-19 कोरोना की जो सारे संसार में, सारी दुनिया में महामारी आई है, लेकिन मेरा जो सोचना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित अंतर रखिए, सेफ्टी पॉइंट से आप चलिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी नहीं होता ऐसा सोचकर इसको आसानी से ले लेते हैं, उसके वजह से स्प्रेड होगा। ऐसे शहर नागपुर शहर बहुत कंट्रोल में है। हमने अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत यहाँ है जरूरी है, इसको मुख्य मंत्री कहना चाहिए। और हमारे पार्टी की तरफ से इसमें जो जिन जिन को तकलीफ हुई है, जिनको एम्प्लॉयमेंट छूटा है, जिनको जो काम बंद हो गया उनका, उनकी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को मैं गुजारिश करूंगा उनकी सेवा में, अभी उनकी खिदमत में रहे, उनको मदद करें जितना हमारे पार्टी में इसका सहयोग करने को। अच्छा सर, ये जो लगातार जो है लोगों को राशन की प्रॉब्लम आ रही है, राशन की जो समस्या आ रही है, इसके लिए जैसे हाजी सोहेल बजट साहब ने भी बहुत दौड़ की है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार आपकी पूरी पार्टी हमने देखा है नागपुर शहर में बहुत एक्टिव है, तो इसमें ये जो राशन का जो फ्री की जो किट का वाटप होता है, तो इसमें राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनकी अभी टेम्पररी राशन कार्ड तो बना के दिए जा रहे हैं, तो इनको राशन अभी किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए कोई गाइडलाइन अभी आपकी तरफ से या भुजबल साहब की तरफ से? भुजबल साहब के जैसे क्लियर कट गाइडलाइन है, हमारी अभियो के साथ में सारे जोन ऑफिसर के सामने एनिमेशन साहब ने मीटिंग ली थी, वहाँ क्लियर हो गया किसी को भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। अगर तकलीफ दी जाती है राशन के शॉप में तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल दुकानदार है, गवर्नमेंट नहीं है। ऐसी कोई भी तकलीफ राशन मिलते समय ना कुछ होती है तो आप तुरंत संपर्क कीजिए, हमसे कीजिए, हमारे पदाधिकारी से कीजिए, उसका परेशान। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष अनिल अहिरकर जी को। बने रहिए नागपुर न्यूज टीवी के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।